अपने ऑडियो पे राइट क्लिक कीजिए, फिर नीचे जाइए प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए, फिर मेथड लिखा हुआ है उस पर जाके इलास्टिक पे क्लिक कर दिया और लॉक टू स्ट्रेच दबा के ओके कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल दबाना है, फिर उसको आपको स्ट्रेच करना है 85 तक ले जाना है, ठीक है। वहाँ पर दिखाएगा जैसे 98 दिखा रहा है, वहाँ पर आपको 85 तक ले जाना है। ऑडियो बंद करके रखा है क्योंकि कॉपीराइट का डर है, इसलिए ऑडियो बंद कर चुके हैं और 85 तक ले गए हम लोग। उसके बाद आपको गाना सुन लेना है अगर ठीक लगे। उसके बाद आपको जाना है वहाँ पे FX लिखा हुआ है उसके अंदर जाना है आपको। उसके अंदर जाने के बाद आपको पहले पे पिच शिफ्ट लिखा हुआ है एकदम राइट साइड पे पिच शिफ्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद ऐड करके ओके कर देना है। तो ये मैंने कर दिया ऐड और यहाँ पे क्लिक कर दिया ओके पे। हाँ, तो यहाँ पे होने के बाद फिर आपको मैं बोलूँगा आप 0 रखिए, नहीं तो -1, जहाँ जहाँ पे वो सेमी टोन्स टू शिफ्ट पिच बाय है वहाँ पे आप -1 रखिए, नहीं तो 0 ही रहने दीजिए। उससे ज़्यादा करेंगे तो आपका आवाज़ बच्चा जैसा हो जाएगा या फिर बड़ा आदमी जैसा हो जाएगा, तो उसको -1 या 0 ही रखिए, सही रहेगा। उसके बाद फिर FX पे क्लिक कीजिए, F+ पे। उसके बाद आप EFX रिवर्ब पे क्लिक कर लीजिए, जो हम करेंगे रिवर्ब, फिर ऐड करके ओके कर दीजिए। उसको उसके करने के बाद जो डिफ़ॉल्ट है आपको पहले वो करना है, वेरी लार्ज एंड रिच कर देना है। आप वैसे ट्राई कर सकते हैं सारा जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से, लेकिन मैं वेरी लार्ज एंड रिच करूँगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सेटिंग से वो करना है, आपको घुमाना है। तो पहला वाला हम करेंगे 19%, ठीक है। कल ये था, मैं यहाँ पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा जल्दी बोल दे रहा हूँ। वहाँ पे 19% करना है। फिर दूसरा वाला करना है हमें 1 सेकेंड कर देना है, पूरा डाउन कर देना है। फिर 19 वाला ये तीसरा पे, और चौथा हमको करना है 12%, ओके 10 to 12% करना है। फिर ये लास्ट वाला है, हमें करना है 16%। तो इसके बाद आपका काम हो जाता है और यहाँ पे आपका स्लो एंड रिवर्ब बन के तैयार हो जाता है। फिर आप यहाँ पे कुछ चेकिंग कर सकते हैं, चेक करना हो तो, ओके। तो इतना करने का हो गया और अभी आप देखते जाइए, मैं थोड़ा अभी शांत रहता हूँ क्योंकि आगे भी कुछ स्टेप हैं जब मैं करूँगा। अभी मैं गाना चेक कर रहा हूँ, तो कुछ स्टेप होगा तो मैं फिर से वॉइस ओवर करके आपको मैं बताता हूँ। तो बस इतना ही था, तो कुछ उसके आगे नहीं था, जो बताया था वो उतना ही रखना है आपको। और आज का यही है वीडियो, स्लो एंड रिवर्ब। और भी ट्यूटोरियल चाहिए आपको ऐसा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। शेयर कर दो वीडियो अपने दोस्तों को जो भी म्यूज़िक बनाना चाहते हैं, जो भी स्लो रिवर्ब करना चाहते हैं। अगर आप बोलोगे लॉफी बनाने के लिए तो मैं भी आप उसका भी ट्यूटोरियल लेके आ जाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।